let's wait for some time, 5 minutes, and Hi. Hello, everyone. आज योगा डे पर कुछ देर के लिए हम सब लोग मिल रहे हैं। हाँ, लक्ष्य तो उल्टा बना है। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। आवाज करें। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज योगा डे है, आप सुबह से बिजी होंगे योगा करने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको योगा अच्छा लगता है कि यार हम करें किसी दिन, बट कब शुरू करें उनको ये बात समझ में नहीं आती। और एक एनजीओ है सेहतमंद, दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है जो टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर, बिना मेडिसिन के मेंटल हेल्थ को लेकर उनसे लगातार बात करता रहता है। उनके वॉलंटियर्स भी कॉलेज में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या स्कूल में हैं, और वो अपने दोस्तों से और दोस्तों के दोस्तों से बात करते रहते हैं जिनको भी स्ट्रेस को लेकर या बहुत कंफ्यूजन रहता है डिसीजंस को लेकर। तो वो एक एनजीओ सेहतमंद, उनकी तरफ से हमें कहा गया कि आज आप योगा डे पर कुछ हमसे बात कर रहे हैं। और एबीटी, आप जानते हैं एबीटी को ना सिर्फ एकेडमिक्स, बट जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम लोगों को, क्योंकि हर चीज एकेडमिक्स है, बहुत बड़ी बात है एकेडमिक्स, लेकिन एकेडमिक्स में अगर ओवरऑल चीज़ों को ऐड कर दिया जाए, उसको अच्छे से समझ लिया जाए कि एकेडमिक्स के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर ले जाएंगी जहाँ पर आपको पहुँचना है, तो योगा भी उनमें से एक ऐसा ही टूल है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको यूज करते हुए, क्योंकि वहां कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है, उसको यूज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए, उन लोगों की हम इंतजार कर रहे हैं, उनके शायद कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे साथ, और फिर उन क्वेश्चंस को लेते हुए और योगा की छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हुए, अगर सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैंने पेरेंट्स को भी इन्वाइट करा था, बच्चों को नहीं, साथ साथ पेरेंट्स को भी इन्वाइट करा था। हाँ सानिया, हेलो 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 सानिया, तो वो लोग हमसे ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, और जो जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस में आपको बोलूंगा, और साथ साथ प्लीज हैप्पी हॉर्मोन्स एंड ऑर्गन्स, यस इन फैक्ट दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। Yeah. In fact, I would like to share an experience when I started dreaming and how it helped me transform. So, हम कुछ ही देर में उनसे कनेक्ट करेंगे. Become more happy in life, yeah. More calm in life. So, it definitely helps you. और please comment box में comment जरूर करिएगा, चाहे आप parent हैं, चाहे आप student हैं, कि आपका experience yoga को लेकर क्या है? क्योंकि many a times yoga और मसल मेकिंग, कुछ लोग क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग करता है, खूब सारे वेट्स उठाते हैं, तो वो कहते हैं कि योगा करें कि हम वेट लिफ्टिंग करें, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर
जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, तो वो मसल्स को टोन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि योगा जो है वो पूरी बॉडी को अलाइन करता है, रिलेट करता है, थ्रेड में पिरो देता है। और वो दो अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि योगा से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ मैं तो अभी मेरे को कुछ आया था, कोई फ़ोन जैसा कुछ या नोटिफिकेशन आई थी, और मैंने आप जो बोल रहे हैं, आप प्लीज़ बोलो। जैसे मैंने इसमें आया था कि वो लाइव जो आपकी आइडिया, अभी एक सेकंड पहले आया था, मैंने ज्वाइन कर लिया था वो, तो आप दोबारा भेजोगे? हाँ भेजो। या सो देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, और आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो बहुत सॉफ्ट होंगी, और कैसे उनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को एक लेवल तक लेके जा सकते हो। क्योंकि यूजुअली अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो ज्यादातर लोगों ने जो आसनास या जो पोज डाले होते हैं वो डिफिकल्ट योगा पोजेस होते हैं, जिनको एक दिन में, दो दिन में हासिल नहीं करा जा सकता, उसमें काफी समय लगता है। लेकिन हाँ, धीरे 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 करते करते आप पहुंच जाते हैं उस लेवल तक। एक सेकेंड, check, is this a possibility? क्योंकि हम यहाँ पर चैट बंद है, आइए आ क्या ड्राइंग रूम को ही हमने एक सेटअप बना लिया है छोटा सा, जहां पर हम दो तरह से बात कर पाएंगे, उस एनजीओ के वॉलंटियर से भी बात कर पाएंगे, जो डाउट्स होंगी बच्चों की उन डाउट्स को भी ले पाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों से भी बात हो पाएगी। अक्षिता, मैं कैसे देखूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कैमरा ऑफ टर्न करना पड़ेगा। हाँ, तो ये लोग कहाँ पर है इस समय, उनकी पॉसिबिलिटी कहाँ है? आओ बच्चों, तब तक अभी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, हमसे कनेक्ट नहीं, इससे बात कर सामने तक, यहाँ एनजीओ से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जब सोते हैं तो उनका पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, कोई कमिटमेंट है नहीं, तो वो लेट तक जगते हैं। ये उनका कसूर नहीं है, ये पूरी तरह से ऐसा ही हो रहा है कि मोस्ट ऑफ दी स्कूल गोइंग किड्स दे स्लीपिंग लेट, और जब लेट सोते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नींद पूरी करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे लाइफ स्पैन के अंदर सिर्फ दो ही फेजेस ऐसे होते हैं जब ज्यादा नींद आती है। एक वो जब हम बहुत छोटे हैं, आप देखें एक छोटे बच्चे को वो लगातार कितने ही घंटों तक सो लेता है, क्योंकि उसको उस समय एक ओवरऑल ग्रोथ की जरूरत होती है, और वो ग्रोथ उसे तभी मिलेगी जब वो बाकी एक्टिविटीज नहीं करेगा, यानी सोता रहेगा। सिमिलरली एक टीनेजर के लिए, क्योंकि हम सीनियर्स क्या करते हैं, उठ जाओ, कम सो, पढ़ दो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम भी इसी स्टेज से निकल कर गए हैं, और टीनेज के अंदर, क्योंकि अब ये एक फाइनल ग्रोथ का टाइम आया है जहां पर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने हैं, और वो तभी हो पाएगा जब एक अच्छी नींद ली जाएगी, ताकि जो बॉडी है वो इमोशनली फिजिकली अपने आप को शेपअप कर सके। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा नींद आ रही है, तो
उनको प्यार से समझाया जाए या उनके लाइफस्टाइल को सेटल करा जाए, ना कि उनको डांट के या फोर्सफुली, क्योंकि इससे वो कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूजन आपके डिसीजंस को पेरिश करता है। ठीक से आप डिसीजन नहीं ले पाते और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ये बात सिर्फ टीनेजर्स के साथ चल रही हो, ये बात सीनियर्स के साथ यानी हम लोगों के साथ भी बहुत हद तक ऐसे है कि डिसीजंस हम ले नहीं पाते, हमें लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ पाती। तो यहां पर आता है योगा। योगा का मीनिंग बहुत सारे तरह से, बहुत सारे मास्टर्स ने इसको एक्सप्लेन करा है कि योगा क्या है। योगा का सिंपल मीनिंग है समा, टू समा। आप सब मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और आप जानते हैं योगा मीन्स योग, योग मीन्स सम, टू समा। कलेक्टिवली अगर चीजों को पहचाने समझे, दैट इज अ योगा। और मैं बात कर रहा था कि जब सुबह उठते हैं, जब जैसे उठे आप बेड से, तो थोड़ी देर के लिए पहली बात थोड़ा टर्न करके उठेंगे, एकदम सीधा नहीं उठेंगे, बिकॉज वो स्पाइनल इंजरी आ सकती है या स्पाइन में पेन हो सकता है या बैक एक हो सकता है बहुत बुरी तरह से। तो आप थोड़ा टर्न करेंगे, कुछ सेकेंड वहां रुकेंगे और फिर उठ जाएंगे बेड से और क्या करेंगे, कुछ टैपिंग करेंगे। कैसी टैपिंग? इन फिंगर्स को जब आप ज्वाइन करते हैं और इस तरह से ऐसे कुछ पंचेस बना लेंगे और इन पंचेस को अपने ज्वाइंट्स पे छोटा छोटा टैप करा करेंगे, इस तरह से टैप करिए, चार या पांच बार इधर, जो भी ज्वाइंट्स है चार या पांच बार इधर फिर इधर। बहुत सूदिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और जो फ्लो है ब्लड का वो भी आपको थोड़ा एनर्जेटिक बना देगा, एकदम थकान वाली फीलिंग नहीं होगी। सो लेट मी कंप्लीट दैट साइकिल। मैं एक एक या दो दो बार ही टैप कर रहा हूं, लाइक दिस। और इस तरह से आप थाइस पे और हर जगह टैप करेंगे, खासतौर पर जहां जॉइंट्स है वहां पर टैप करेंगे। और सीनियर अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उनके लिए भी ये बहुत कारगर होने वाला है, क्योंकि लगातार 30 साल से ज्यादा समय हो गया है मैथ्स पढ़ाते हुए, तो हमें ऐसा लगा कि मैथ्स अगर इक्वेशन है तो बाकी चीजें भी इक्वेशन होंगी। तो उसके साथ साथ मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ एक्यूप्रेशर में हमने कुछ चीजों पर रिसर्च करा, वहां पर कुछ चीजें समझ में आई और कुछ बहुत सारी अल्टरनेट थेरेपीज पे काम करा, तो समझ में आया कि हाँ हम अपने आप को खुद बना सकते हैं प्रैक्टिस से, अवेयरनेस से। तो पहली ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज आप सुबह करेंगे लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करेंगे आपको आदत पड़ेगी, आपको बड़ा इंजॉयमेंट मिलने वाला है। आप सुबह उठकर बड़े अजीब अजीब से अगली फेसेस भी बना सकते हैं जो कि आपके फेशियल मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, या यहाँ पर भी आप हल्का हल्का सा टैप कर सकते हैं जिससे कि आपके फेशियल मसल्स जो हैं या उनमें जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा रहे और आप ज़्यादा एनर्जेटिक और हैप्पी सा फीलिंग दें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे सीधा हाई फाई आसनास नहीं कराने हैं मुझको, वहाँ पर भी चलेंगे किस दिन। सबसे पहले छोटे छोटे कुछ हम आसनास करते हैं। सबसे पहले तो ठीक से खड़ा होना सीखना पड़ेगा हमारे, यानी एक स्टैंडिंग पोज भी अपने आप में बहुत बड़ा योग है, अपने आप में बहुत बड़ा आसन है। ध्यान से देखिए, आप छोटे से 3 या 4 इंच के गैप के साथ अपने आप को सेटल करते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्विलिब्रियम में लाते हो, अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें। और यहां से पहले पोज पे चलेंगे, दैट्स कॉल्ड वृक्षासना। वृक्ष का मतलब ट्री, जैसे एक ट्री जो है बिल्कुल अवेयर्ड लेकिन इनर्ट, किसी से कोई बात नहीं करता, चाहे हवा आ रही है चाहे मैसिव सनलाइट आ रही है, उस ट्री की तरह हमारे को बनना है। और धीरे धीरे जब आप इस तरह से एक बैलेंस कर लोगे, अगला स्टेप क्या होगा, जितने दिन में मर्जी, अगला स्टेप क्या होगा कि आप एक टांग, एक लेग को थाइस और रूट चक्र यानी नीचे जितना भी आप ऊपर दबा सकते हैं ऐसा दबाकर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी ये बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा, कभी ये इधर जाएगा कभी ये उधर जाएगा, बट धीरे 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 इस बैलेंस पे आ जाओगे। आंखें खुली रखिएगा, जिस दिन इस पोज को आपने बंद आंखों के साथ कर लिया
तो समझ लीजिए आपने इसका लेवल अचीव कर लिया है। और जब आप यहां इस पोज पे पहुंचते हैं तो धीरे 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 आप हाथों को भी ऊपर करते हुए इस तरह से, दिस इज द कंप्लीट वृक्षासन। और आप आंखें बंद कर कर एक मिनट दो मिनट जितना आपको समय लगे आप कर सकते हैं और धीरे धीरे वापस आएंगे। याद रखना जब आप योगा कर रहे हैं तो आप जल्दी में नहीं, आपकी वजह से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, योगा का मतलब यह है कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज इट इज अस्यूम दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और वृक्षासन को याद रखिए एक लेग के साथ करा है, ऐसे ही आपको दूसरी लेग के साथ करना है, यानी ये लेफ्ट। और यहां थाई को और रूट चक्र के पास लेते हुए आप इसे कंप्लीट करने वाले। प्लीज इसे ट्राई करिएगा क्योंकि एक टारगेट आपको मिलेगा एंड इट्स फन आल्सो, बिलीव मी इट्स फन। लगभग 10-11 साल मुझे हो गए हैं योगा करते हुए और अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि किसी भी आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो योगा की प्रैक्टिस में है, तो हर कोई बोलेगा कि हम स्टूडेंट हैं। एंड यस, टू डू अ योगा और टू बी इन अ योगा इज बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज यू आर लर्निंग हाउ टू बी अवेयर, मोर अवेयर, दैट्स व्हाट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग झुकते हुए चीजों को बैलेंस करने का सोचेंगे इस तरह से, ऐसे। पहले आप गिर जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे कोशिश करिए बैक सपोर्ट लेते हुए, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इस तरह से अपने आप को बैलेंस कर पाओगे इस तरह से। और जब आप इसे आंखें बंद करके बैलेंस कर पाओगे तो समझ लेना कि अब आपको बस इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है। और इसके साथ ही अगर आप ये पोज पे कनेक्ट करते हैं, यानी इस बैलेंस पे कनेक्ट करते हैं, तो फिर आप बहुत सारे ऐसे आसनास पे आगे बढ़ सकते हैं जिनके नाम हैं, पर पहले बिना जल्दी के इंजॉय करते हो, इन नो हरी बट टू इंजॉय, बट टू फील योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील योरसेल्फ। और धीरे 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 इसी से आप क्रो पोज पे पहुंच जाओगे और इसी से सारे आसनास के जो का जो नंबर वन आसन है शीर्षासन, वहां तक भी धीरे धीरे इसी की वेरिएशन से पहुंच जाओगे। पर याद रखिए आपको धीरे 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 ही आगे बढ़ना है, आप सीधा ऐसा नहीं पहुंच सकते कि आप जो एक्सट्रीम आसन है सीधा उस पे पहुंच जाओ। सो मैं आपको शीर्षासन करके दिखा देता हूं, बट इसकी एक टेक्निक है, और अगर आपको कोई इलनेस है तो पहले आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेंगे। याद रखिए जब भी आप हैंड स्टैंड कर रहे हैं या हेड स्टैंड कर रहे हैं, तो जब आप आसन को कदम करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्लड का जो सर्कुलेशन है दैट्स टुवर्ड्स हेड, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि सर ये आपको भी बहुत जरूरी है कि आप उसी पोजीशन में रहें, वरना कुछ और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए जिस पोजीशन पे मैं रुका था वो भी एक बड़ा प्यारा सा आसन है, एंड दैट्स कॉल्ड बालासना, चाइल्ड पोज। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और इसकी वेरिएशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे जरूर करिएगा। और सीनियर्स के लिए भी इसके बहुत फायदे हैं, जितने भी आसन हम कर रहे हैं वो ओवरऑल आपको बेनिफिट देते हैं। कहीं पर थाई स्ट्रांग हो जाते हैं, कहीं पर आप को मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है, डायबिटिक जो लोग हैं या जिनको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। क्योंकि छोटा सा सेशन है इसीलिए एट अ लार्ज में इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा, बट यस वी कैन डू दैट। इधर अब मैं जब चाइल्ड पोज की बात कर रहा हूं तो ये देखिए ये वो पोजिशन है,
जब आप इस तरह से रुकते हैं, कोशिश करेंगे ये थाइस यहाँ टच करेंगी लेग्स को, और आप इस तरह से स्टमक को प्रेस करते हुए थाइस पर एक नॉर्मल ब्रीदिंग करने वाले हैं, और जितनी देर मर्जी बैठे, इट्स लाइक दिस। इसकी कई सारी वेरिएशन है, हर एक आसन की बहुत सारी वेरिएशन है। देखिए इस तरह से या फिर ऐसे, या फिर इसको और थोड़ा स्प्रेड करते हुए, अगर हम इस तरह से ये थाइस फैला लें और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएं, ऐसा कुछ। तो ये कुछ आसन है। एक और आसन है मन आसन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने गए तो क्या है, जंक फूड ले लिया, और अदरवाइज भी पेरेंट्स भी चलो यार घूमने चलते हैं तो स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो एक आसन है दैट्स कॉल्ड मन आसन। आपको समझना होगा कि इस तरह से बैठने से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता। अभी शायद मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर आप इसी को एक आसन बनाओ। रिमेंबर, अगर आप सिर्फ एक आसन के बेस पर भी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं तो दैट इज अगेन अ अल्टीमेट थिंग। बी दिस स्पेशलिस्ट ऑफ वन आसन जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा आसन है आपके लिए। सो जस्ट सी लाइक दिस एंड स्पाइन स्ट्रेट करते हुए और इसी की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा आप इस तरह के पोजीशंस में भी धीरे धीरे जा सकते हैं। गड्ढे में आपको पता लगेगा कि थोड़ा समय लग जाता है। तो आइए, यहाँ पर कुछ हमने आसना सीखे और उन्हीं आसना से रिलेटेड है ब्रीदिंग, और यही ब्रीदिंग और इन्हीं आसन से रिलेटेड है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग से बनती है मेडिटेशन। मेडिटेशन और योगा एक कंप्लीट पैकेज की तरह आते हैं, बट याद रखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अगर आप कैलकुलस करते हैं तो कैलकुलस एक पैकेज है, लेकिन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उसके दो अलग अलग पार्ट हैं। वैसे ही योगा और मेडिटेशन दो अलग अलग बात है। योगा मीन्स टू कनेक्ट एंड मेडिटेशन मीन्स टू लीव एवरीथिंग एंड इट देयर विल बी ऑटोमेटिक कनेक्शन। तो अभी हम मेडिटेशन पे तो बात नहीं कर रहे, बट धीरे धीरे हम अगले कुछ सेशंस के अंदर यहां बात करते रहेंगे जरूर। अब हम आते हैं सन सैल्यूटेशंस पर। शीर्षासन अगर सबसे बड़ा आसन है तो सन सैल्यूटेशन एक बेसिक आसन है जिससे आप सब कुछ कवर कर लेते हैं। एक ऐसा पैकेज जिसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 11 से 12 स्टेप्स के बीच में, 12 स्टेप्स से बना हुआ ये आसन है। आइए इसको समझते हैं। धीरे धीरे कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें भी ब्रीदिंग की ट्रेनिंग बहुत चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और शुरू करते हैं सन सैल्यूटेशन। अगर आपको आता है तो आप प्लीज मेरा साथ दीजिए, और जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, शुरू करते हैं सन सैल्यूटेशन। हम यहां पर तीन पेयर करने वाले हैं, यानी तीन एक तरफ और तीन एक तरफ, टोटल 6 टाइम्स वी विल बी परफॉर्मिंग द सन सैल्यूटेशन यानी सूर्य नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार की स्थिति, पीछे जाएंगे, नेक को स्ट्रेच करेंगे, नेक मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, देन विल बी द फॉरवर्ड बेंडिंग। याद रखें फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको बेंड नहीं होना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए
आसानी से जितना बेंड कर सकता है. Then right side back, then a left, stand like this. Not many curls. Then is the cobra pose. Coming back like this. So start. This time left. So one part is complete. Second set. Second set, complete last set. थैंक यू. तो इन चीजों के साथ बढ़ते हुए छोटे छोटे आसनों को करते हुए इंजॉय करिए, अपने आप को फील करिए, क्योंकि जब आप आसन कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस ऊपर नीचे कुछ लेना देना नहीं होता है. तो आसन करते रहिए, योग बनाते रहिए, यानी कनेक्ट करते रहिए सबसे, और आप धीरे धीरे अपने मुकाम को हासिल कर लोगे. थैंक यू वेरी मच. आज का सेशन हम इतना ही कर रहे हैं. थैंक यू. लाइक कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस योगा में क्या है. थैंक यू.